ब्लू और ऑरेंज वाला एच पीस रेड और ब्लू वाला एच पीस और ये ग्रीन और रेड वाला एच पीस इन पीसेस को अपने को लगाना होगा इनकी जो पोजीशन जैसे यहाँ पे अभी लगे हुए हैं आप देख सकते हो अपनी सेकेंड लेयर कंप्लीट हो रखी है कि पूरा सॉल्व हो रखा है तो अपनी सेकेंड लेयर भी कंप्लीट है ये अपनी सेकेंड लेयर होती है तो अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे इन पीसेस को किस तरीके से अपन इनको लगाएंगे ये देखेंगे और जैसे अगर ये पीस इस तरीके से अभी तो सही तरीके से लगा हुआ है बाई चांस अगर ये ग्रीन पीस ग्रीन कलर इधर आ रहा होता और ये ऑरेंज इधर आ रहा होता तो अपन इसको किस तरीके से निकालेंगे और फिर इसको कैसे इंसर्ट करेंगे ये चीज़ अपन देखेंगे और इस तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि ये ये वाला पीस जो है इधर आ रहा हो तो उसमें अपन क्या करेंगे तो इसके बारे में स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स अभी तक अपन ने इसका कुछ ब्रीफ आइडिया लिया था सेकंड लेयर के अंदर अपन को क्या क्या कैसे कैसे करना होगा तो अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे लेकिन उससे पहले एक चीज बता दूँ अगर आपने मेरी फर्स्ट लेयर की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है अभी आप जाके देखें अगर आपने उसको नहीं देखा है क्योंकि अगर आपने फर्स्ट लेयर सॉल्व करना नहीं सीखा तो आप सेकेंड लेयर सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो पहले उसको जाके देखो और अगर आपने फर्स्ट लेयर देख रखी है तो वन आगे स्टार्ट करते हैं तो सेकेंड लेयर में अपन को जैसे यहाँ पे फोर पीसेस होंगे इनको इंसर्ट करना होगा तो जैसे सबसे पहले मेरे सामने ये पीस आ रहा तो मैं इसको ले लेता हूँ और ये पीस अपने को इधर की तरफ लगाना है आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन है वो इस ग्रीन सेंटर पीस के साथ मैच हो रहा है और अगर मैं जैसे इसको एक साइड अगर राइट रेड को फ्रंट में ला के देखूंगा तो ये जो रेड है ये वाला रेड वाला पीस इस तरीके से जब मैं ये लाऊंगा तो ये परफेक्टली मैच हो रहा है बट अपन इसको इस तरीके से नहीं लाते डायरेक्टली तो इसके लिए क्या ट्रिक होती है बताऊंगा एल्गोरिदम यहाँ पे शोर ही होगी तो एल्गोरिज्म एल्गोरिदम कुछ इस तरीके से है अपन इसको पहले मूव करेंगे अपर लेयर को U प्राइम L प्राइम U L तो आप देख सकते हो अगर अपन ने यहाँ तक जितना मूव भरा उससे अपने ये सेकेंड लेयर का जो ये पेयर है ये बनकर तैयार है अब अपन को इसको, इसको इंसर्ट करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे यहीं से आपको करना होगा एफ प्राइम एल एफ अपना एल प्राइम तो इस तरीके से ये सेकेंड लेयर यहां पे बन के तैयार है इस पॉइंट पे ऐसे अपन बाकियों की बनाएंगे तो आपने एल्गोरिथम यहाँ देखी होगी आ रही होगी जो जैसे ये तो ये था कि इधर अपने सामने पीस आ रहा था ग्रीन और रेड का जैसे ये ग्रीन और ऑरेंज का आ रहा है और इस पीस को अपने को आ, अपने को इधर की तरफ लगाना था अपने लेफ्ट साइड में और जैसे वाला पीस अपने को किधर लगाना है अपने राइट साइड में लगाना है तो इसके लिए अपन क्या करेंगे और जैसे इसमें इस तरीके से आप देख सकते हो जब अपने को लेफ्ट साइड में लगाना होता है तो अपन इस अपर लेयर को राइट साइड की तरफ मूव करते हैं राइट की तरफ मूव करते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ और जब अपन को इस पीस को आ, राइट में लगाना होता है तो अपन इसको लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं कुछ इस तरीके से एक बार तो अपन अब आप नोटेशन देखेंगे सॉरी एल्गोरिथम देखेंगे क्या है और यहाँ पे शोर योगी एलगोरिदम आप आपको तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं इसमें अपन करेंगे यू फिर अपन करेंगे R फिर अपन इसको सामने लेके आएंगे U प्राइम फिर अपन करेंगे R प्राइम तो आप देख सकते हो कि सेकेंड लेयर का पेयर रेडी है अपना अब इस पेयर को अपने को यहाँ पे इंसर्ट करना है सही तरीके से यूँ तो अपन यहीं से जैसे अपन ने इसमें करा था इधर उस तरीके से अपन करेंगे F R प्राइम F प्राइम R तो ये पूरी एल्गोरिथम सामने आ रही होगी आपको तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से अपन इन पीसेस को लगाना सीखेंगे लेकिन अब जैसे आप देख सकते हो कि यह वाला पीस अपने को इधर लगाना है तो इस पीस को अपने को यहाँ से निकालना होगा तो उसके लिए अपन को क्या करना है तो इसके अंदर भी अपने को वही ट्रिक लगानी है लेकिन इसमें अपने को ये जरूरत नहीं पड़ेगी कि अपन इस वाले पीस को अगर अपने को लगाना है या तो अपन किसी भी पीस को लगा सकते हैं इस वाले पीस को लगाना है अपन डायरेक्टली पहले इस पीस को लगाते हैं ताकि ये पीस निकल जाए और वो पीस लग भी जाए लेकिन अगर कोई केस कभी के ऐसा आता है कि ये पीस अपना लगा हुआ है यहाँ पे और ये पीस उल्टा यहाँ लगा हुआ है वो चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा आगे तो पहले देखते हैं कि अपन इसको निकालने के लिए पहले इस पीस को लगाते हैं अपन इसको इस तरफ लिया है ये देखिए आप ऑरेंज से मैच हो रहा है तो ने जैसे अभी इधर वाले के साथ किया था तो उसमें भी वही करना है इसकी ट्रिक लगाता है एल्गोरिज्म लगाते हैं इसमें यू आर U prime, आर प्राइम तो आप देख सकते हैं सेकेंड लेयर तैयार हुई अब इसके बाद अपने को इसको इंसर्ट करना है तो ये आएगी अपनी एफ आर प्राइम एफ प्राइम आर तो इस तरीके से अपनी सेकेंड लेयर तैयार हुई बट एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे लगाएंगे तो फ्रेंड्स अभी तक अपन ने इन ती, तीन एच पीसेस को लगाया था इनको अपन को इस वाले पीस को लगाना है जैसे मैंने बोला था ये वाला पीस अगर इस तरीके से यहाँ आ जाए और बाकी सब सेट हो रखे हों तो अपन क्या करेंगे ऐसा नहीं है कि अपन कोई और पीस यहाँ ला लगा देंगे बिकॉज ये पीस अपने को यहाँ लगाना है इसके लिए अपन को पहले यहाँ पर कोई और पीस लगाना पड़ेगा और फिर इसको सही तरीके से लगाना पड़ेगा वापस तो अब देखते हैं कि कैसे क्या करना है तो आप देख सकते हैं कि आ, इसके अंदर अपन को ज़रूरी नहीं कि अपन इस तरीके से मूव करके उस ट्रिक को परफॉर्म करें इसके अंदर आप एक स्टेप मिस कर सकते हैं जब अपन इधर की तरफ मूव करते हैं उस स्टेप को मूव कर सकते हैं क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि अपन यही वाला पीस लगाएं अपन ये वाला पीस लगा सकते हैं क्योंकि ये इसी पोजिशन में है इस पीस को भी अपन यहीं लेके आएंगे तो कोई भी पीस लगा सकते हो तो अपन ट्रिक लगाते हो मैं एक बार बताता हूँ ट्रिक लगा के इधर की तरफ से आर u prime, r prime, then f, r prime, f prime, and then again r. इस तरीके से आप देख सकते हैं कि वाला पीस जो है बाहर आ चुका है और की वाला पीस यहाँ लग चुका है अब अपन देखते हैं कि इसको कैसे लगाना है तो अपन इसको सामने लेके आ गए अपने अब अपन इसको इधर की तरफ लेके जाएंगे क्योंकि अपन को राइट right साइड में लगाना है तो अपन क्लिक परफॉर्म करते हैं अपना यू प्राइम सॉरी ये अपना ये हो गया अपना यू आर यू प्राइम आर प्राइम एफ आर प्राइम एफ प्राइम नंदे अगेंद आ तो इस तरीके से आप ट्रिक देख सकते हो ऊपर आ रही होगी तो अपनी सेकेंड लेयर कंप्लीट हो गई और ये केसेस होते हैं और कुछ चीज़ें अगर जैसे ये पीस इस तरीके से आ रहा था तो अपन इसको किस तरीके से करते हैं? तो वही है कि आपने इस तरीके से जैसे आपने सीखा था कि इधर कैसे ये आला पीस अपने लगाया तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया था एक बार इसमें कि इस तरफ जो अपन ने पीस लगाया था वही ट्रिक अपन को करनी होगी तो इस तरीके से अपनी सेकेंड लेयर कम्प्लीट हो जाएगी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने इस तरीके से इधर की तरफ से बताया था इधर की तरफ से नहीं बताया इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है तो इस तरीके से अपन सेकेंड लेयर को सॉल्व कर लेंगे तो फ्रेंड्स अभी तक अपन ने सेकेंड लेयर कैसे सॉल्व करते हैं ये सीखा अपन ने आई होप आपको सेकेंड लेयर सॉल्व करना आ गया होगा अब तो अगली वीडियो में अपन थर्ड लेयर सॉल्व करना सीखेंगे फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो और इससे अगर आपने कुछ सीखा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना थैंक यू